हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैलस कल्चर। देखिए, कैलस कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब प्लांट टिश्यूज का कल्चर कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है। उसी अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब वो किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट हो सकता है, बन सकता है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो ऐसा जो हमारा मास ऑफ सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब ये जो कैलस है, जब इसको कल्चर किया जाएगा, ठीक है, जब प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस को ग्रो किया जाएगा, इसकी कल्चरिंग की जाएगी, तो यही हमारा क्या है, कैलस कल्चर है। अब देखिए, कैलस को डिफाइन करें तो कैलस इज अ मास ऑफ इरेगुलर अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस एंड टोटीपोटेंसेस। ये तीनों चारों ना जो वर्ड है आपको पता होने चाहिए कि कैलस क्या होता है। कि मास ऑफ इरेगुलर सेल होता है, मतलब कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है और टोटीपोटेंसेल होता है। ठीक है, ये किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है जो कैलस होता है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं कैलस। अब ये जो कैलस होता है तो इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। ये कैलस क्या कर सकता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं जब वो न्यूट्रिएंट मीडियम पे जाला जाते हैं उनको, तो जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम में ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते करते ये क्या बना लेते हैं, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, और उसी अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब इन कैलस के पास भी क्या होती है, क्योंकि वो डिवाइड होते होते ही बने हैं तो वो डिवाइड कर सकते हैं, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक, ये कैलस कैलस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज फॉर्म्ड इन कल्चर मीडिया ड्यू टू एक्टिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ द एक्स प्लांट पार्ट पार्ट टिश्यूज और प्लांट पार्ट टिश्यूज और सेल बीइंग कल्चर्ड। तो ये जो कैलस होता है वो कैसे बनता है, तो माइटोटिक डिवीजन चलते रहते हैं उसी से बनता है। और जो एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं, एक्सप्लांट मतलब जब अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है या आपको पता है अगर इसके बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो एक्सप्लांट होता है। एक्सप्लांट मतलब जिस प्लांट को हम कल्चर करना चाहते हैं उसका कोई हम पार्ट लेते हैं, जैसे कि लीफ लिया है तो लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा करेंगे, पीस करेंगे, और उस पीस को क्या करेंगे, वही पीस में क्या होता है, जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं हम, तो माइटोटिक डिवीजन्स होते रहते हैं। तो डिवाइड करते करते ही वो क्या है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ कैलस के बारे में बात। अब ये जो कैलस होता है ना, ये भी दो तरीके का बनता है, एक कॉम्पैक्ट कैलस और दूसरा होता है फ्रेएबल कैलस या फ्रीएबल कैलस। तो जैसे कि नाम इसका कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पे जो भी सेल्स होती है ना वो बहुत ही हार्ड डेंस होती हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होती है, मान लीजिए ऐसा कुछ, बहुत ही टाइटली पैक, एक से चिपकी हुई है सब, डेंस है एकदम। ठीक, तो ये कॉम्पैक्ट कैलस होता है। तो ये क्या होती है कि डेंस होता है, हार्ड होता है और टाइटली पैक्ड होता है। इट इज़ लेस कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट रीजनरेशन बट कैन बी यूजफुल फॉर सर्टन एप्लीकेशन सच ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो ये जो कॉम्पैक्ट कैलस होता है ना, तो इसका इतना यूज़ नहीं किया जाता है प्लांट रीजनरेशन में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में कॉम्पैक्ट कैलस का यूज़ होता है। ठीक, वहीं इसके अपोजिट कह सकते हैं कि फ्रेएबल कैलस होता है। तो यहाँ पे जो कैलस होते हैं, जो सेल्स होते हैं, तो वो बहुत ही लूज होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, फ्रायबल होते हैं, मतलब बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। तो ऐसे हम कैलस को फ्रायबल कैलस कहते हैं। और फ्रायबल कैलस क्या होता है, इज ऑफन रिच इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड इज कॉमनली यूज फ्रॉम प्लांट रीजनरेशन। तो फ्रेएबल कैलस में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और इसका यूज़ किया जाता है पीटीसी में, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में, प्लांट रीजनरेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये दो तरीके के हमारे पास कैलस होते हैं। अब हम बात करते हैं कैलस कल्चर की। तो कैलस कल्चर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। तो पहला है कि कैलस कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो कैलस कल्चर सबसे पहले तो एक प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होने वाली एक टेक्निक है, वेयर एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज कैलस इज ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम फ्रॉम प्लांट एक्सप्लांट सच एज लीफ स्टेम और रूट टिश्यूज। तो क्या कह सकते हैं कि कैलस कल्चर एक ऐसा टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जहाँ पर एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को ग्रो किया जाता है
किसी प्लांट एक्स प्लांट के द्वारा, ठीक। तो ये कैलस कल्चर होता है। उसके अलावा दूसरा एक और डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है कि कैलस कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक इन प्लांट टिश्यू कल्चर वेयर स्मॉल पीसेज और सेल्स फ्रॉम प्लांट टिश्यूज आर आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशंस। दीस सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू सेल कॉल्ड कैलस। तो सेम वही चीज़ हमारी है कि कैलस कल्चर में क्या होता है कि किसी भी प्लांट का स्मॉल पीस या फिर सेल लिया जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम पे ग्रो किया जाता है। फिर जब इस कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये जो सेल होती है वो डिवाइड कर देती है और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। तो बेसिकली सिंपली हमारा यही क्या है कि कैलस कल्चर क्या है, कैलस कल्चर ऐसी टेक्निक है जहाँ पर कैलस को ग्रो किया जाता है एक्स प्लांट के द्वारा, ठीक। तो ये हुआ कैलस कल्चर। अब बात करते हैं कैलस कल्चर का प्रोसीजर क्या है, क्या स्टेप है, क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। सबसे पहले आपको एक एक्स प्लांट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा ताकि जो एसेप्टिक कंडीशंस हैं, मतलब कंटामिनेटेड फ्री कंडीशन हम बनाए। तो प्लांट टिश्यूज सच एज लीव्स और स्टेम्स आर सेलेक्टेड एंड स्टरलाइज्ड टू रिमूव एनी कंटामिनेंट। तो प्लांट टिश्यूज को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है ताकि कंटामिनेंट्स रिमूव किए जा सके। इससे पहले अगर आपको पता है या फिर आपने देख लेंगे इंट्रोडक्शन वाला जो प्लांट टिश्यू कल्चर का टेक्निक है, तो स्टेप समझने में आसानी होगी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, दिस इज़ यूजली डन बाय वॉशिंग द टिश्यूज विथ स्टरलाइजिंग एजेंट लाइक ब्लीच और अल्कोहल। तो सिंपली सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी हम एक्सप्लांट चूज करते हैं ना, तो उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है ब्लीच या अल्कोहल की मदद से, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, तो हम उसमें उसको डाल देते हैं ताकि अगर कोई भी सर्फेस कंटामिनेशन है तो वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको डिस्टिल्ड वाटर में वॉश कर देते हैं ताकि जो लगा हुआ है ब्लीच वगैरह का कंपाउंड, तो वो भी रिमूव हो जाए, हमारे पास एक साफ एक्सप्लांट आ जाए जिससे हम कल्चर करें। तो पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो स्टरलाइज टिश्यूज है जिसको आपने स्टरलाइज कर लिया है आर देन कट इनटू स्मॉल पीसेस और सेल एंड देन प्लेस्ड ऑन टू अ कल्चर मीडिया। अब आपने जो एक्सप्लांट लिया था और आपने उसको स्टरलाइज किया है, अब उसको स्मॉल पीसेस में काटा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा या फिर सेल को लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, कल्चर मीडियम में डाल दिया जाएगा। अब वो जो कल्चर मीडियम होता है उसमें कई सारी जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो रहती हैं, जैसे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, शुगर, ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इनिशिएशन में ये होता है। उसके बाद होता है इंक्यूबेशन। तो कल्चर मीडियम पर आपने डाल दिया है उसको, अब वो क्या होता है, इंक्यूबेशन के लिए जाएगा। तो दो कल्चर डिशेस और कंटेनर्स विद द टिश्यू पीसेस आर प्लेस्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सच एज अ ग्रोथ चैम्बर और एन इंक्यूबेटर। तो उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है, आपने जो हमारे जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है अपने जो एक्सप्लांट था, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और ये आपका एक्सप्लांट है, क्या हुआ, एक्सप्लांट है। तो अब आपने इसको क्या किया, अब इसको किसी इंक्यूबेटर में डाल देंगे जहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस होगी और वो इंक्यूबेट होता है। अब इंक्यूबेट जब होता रहता है तो समय के साथ क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है, हमारा कैलस बन के आ जाता है। तो ओवर टाइम द सेल्स इन द टिश्यू पीसेज स्टार्ट टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। कैलस कैसे बनता है, एक्टिवली माइटोटिक डिवीजन से। तो डिवाइड होते रहता है और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल हमारे पास आ जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। अब ये जो कैलस होता है वो फ्रायबल कैलस भी हो सकता है और कॉम्पैक्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्लांट स्पीसीज ली है और कल्चर के लिए कैसे कंडीशंस आपने रखे थे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कैलस पूरा बन गया। तो हमारा स्टेप तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अलावा भी हम पूरा स्टेप देखें कि आगे क्या किया जाता है। तो सब कल्चरिंग होगी, तो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए, मतलब बहुत यहाँ पे पूरा हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम में पूरा भर चुका है कैलस से, तो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए वो जो कैलस है उसको क्या कर दिया जाता है, समय समय पे दूसरे नए फ्रेश मीडियम पे, कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है उसको सब कल्चरिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो कैलस की ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ वो मल्टीप्लाई करता रहता है, तो वो बढ़ती रहती है, ठीक। एक जगह डेंस होने की बजाय हम उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ये तो ये सब कल्चर होता है। उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन। अब जो कैलस बन चुका है तो अब
उस कैलस से आप क्या बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसमें हार्मोन्स वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हो सकता है आपको बस अगर टिश्यूज ही चाहिए किसी चीज़ की तो वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप पूरा का पूरा प्लांट बनाना चाहते हैं तो वैसी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड आउटकम द कैलस कैन बी इंड्यूस्ड टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक प्लांट ऑर्गन्स सच एज रूट, शूट और एम्ब्रियोज। ठीक, दिस इज अचीव्ड बाय मॉडिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडियम और बाय यूजिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेटर। ये हो गया डिफरेंशिएशन में। उसके बाद प्लांटलेट रीजनरेशन, तो इसमें क्या होता है, वन डिफरेंशिएशन अकर्स द डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स कैन बी फर्दर डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट। तो जैसे डिफरेंशिएशन होगा तो पहले शूट बनेगा, रूट बनेगा, तो पूरी तरीके से प्लांटलेट बन जाता है टाइम के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसको भी हम ऑर्गेनोजेनेसिस वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के तरीके से पूरा हमारा शूट सिस्टम रूट सिस्टम बन जाता है और प्लांटलेट बन जाता है हमारा। तो ये पूरा हमारा स्टेप हो गया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम के साथ थोड़ा अच्छा लग जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और ये ना जो अभी हमने देखा कैलस कल्चर, तो उसका जो एक जनरल होता है ना किसी भी चीज़ का कि हाँ जनरल जो पूरा रूल रेगुलेशन होता है, स्टेप होता है, वो हमने देखा है कि कैलस कल्चर में ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पे ना हम कैरेट का एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि कैसे कैलस कल्चर परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, मतलब इसका क्या स्टेप्स है ये देखेंगे। ठीक है, तो वो एक जनरल कैलस कल्चर में क्या एक जनरल स्टेप फॉलो होती है, प्रोसीजर फॉलो होता है, वो होता है, वो हमने देखा। अब कैरेट को देंगे, तो ये हमारे एक कैरेट को देखेंगे, तो ये हमारे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हो जाएगा और एक कैरेट का जो प्रोटोकॉल है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप एक एक्सप्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है, चूज़ करते हैं, ठीक, चूज़ करते हैं। तो हमारा एक्सप्लांट क्या है, कैरेट है। ठीक है, अब इस कैरेट को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है चूज़ करेंगे तो इसको क्या किया जाता है ना, 5% टीपॉल सॉल्यूशन में डाला जाता है 10 मिनट के लिए। ठीक है, आप कैरेट को लेंगे और इसको 5% टीपॉल सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस कैरेट को आप कट करेंगे। अब इसको बीच से काटेंगे तो आपके पास सर्कुलर पीसेज आएंगी ना, ये नाइफ से काट रहे हैं आप उसको, आपके पास क्या हो गया, आपने नाइफ से काटा, काटने के बाद आपके पास सर्कुलर पीसेज आएंगे। अब इसको बीच बीच से काटेंगे, बीच से काटेंगे तो सर्कुलर पीसेस आएंगे आपके पास। अब इन सर्कुलर पीसेस में एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा ऐसे अगर हम ड्रॉ करें, देखिए क्या होता है ना, ये जो सर्कुलर पीस आपने काटा हुआ है इसका, तो सबसे जो पहला आगे वाला जो हिस्सा रहता है, पार्ट रहता है, वो कॉर्टेक्स होता है, फिर फ्लोएम होता है, फिर जाइलम होता है, ठीक, जाइलम होता है, फिर फ्लोएम होता है, और ये बीच वाला है ना आपको, हमें ये इससे मतलब है, ये जाइलम सॉरी कैम्बियम होता है, कैम्बियम। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, हमारा एक्सप्लांट मेनली एक्सप्लांट क्या है ना, कैम्बियम है। ये हमारे पास जो सर्कुलर पीसेज आई हैं, तो देखिए अभी ये ध्यान रखिए, फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया कि आपने एक एक्सप्लांट चूज़ किया, आपने कैरेट लिया, अब उस कैरेट को 5% टीपॉल सॉल्यूशन में डिप कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद उस कैरेट को क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक, कट करेंगे, तो हमारे पास सर्कुलर पीसेज आ जाएंगी। ठीक, अब इस सर्कुलर पीस को क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे ताकि उसमें का जो टीपॉल सॉल्यूशन है वो हट जाए, तो डिस्टिल्ड वाटर में आपने डाला। अब इन सर्कुलर पीसेस को डिस्टिल्ड वाटर से निकाल के आप क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाला जाता है इसको। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है और इसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है अपना सर्कुलर पीसेस को। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से निकाल के आप क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में डालेंगे, और उस पेट्री डिश में क्या होता है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये फिल्टर पेपर है। तो ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि हमारा फिल्टर पेट्री डिश है और आपने नीचे फिल्टर पेपर बिछा दिया है। अब उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने अपना क्या रख दिया है, ये एक्सप्लांट जो सर्कुलर पीसेस काटे हुए हैं आपने कैरेट के, वो डाल दिए। ठीक, अब क्या होता है, ये हमारा लार्जर एक्सप्लांट होता है, एक को दिखाया गया है, ये लार्जर एक्सप्लांट होता है। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा कैम्बियम वाला हिस्सा। तो अब ये जो लार्जर एक्सप्लांट होता है इसमें से कैम्बियम को निकाल लिया जाता है, ये हमारा कैम्बियम एक्सप्लांट होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैम्बियम को निकाल लिया। अब इस कैम्बियम को क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे, कैम्बियम एक्सप्लांट को आप न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे, और इसको ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई माइक्रोब ना आ जाए, तो कॉटन से या फिर किसी भी चीज़ से इसको जो स्पेसिफिक इसको ढकने वाला चीज़ होगा उसको डाल देंगे। उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, हमारा कैलस बन जाएगा। ठीक,
6 से 8 वीक के इंक्यूबेशन के बाद क्या हो जाएगा, कैलस बन जाएगा। ठीक, तो हमारा कैलस कल्चर ही पूरा हो गया। अब इस कल्चर कैलस को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, एज पर्पस जो होगा, एप्लीकेशन जो होगा उस हिसाब से। ठीक, तो ये हमारा पूरा स्टेप चलता रहता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लांट लेंगे, जो भी कैरेट हम ले रहे हैं तो उसको 5% टीपॉल सॉल्यूशन में डाला जाएगा। उसके बाद उस कैरेट को कट किया जाएगा, स्मॉलर पीसेज उसकी आएंगी। अब उन स्मॉलर पीसेज को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया जाएगा, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे उसको निकाल के। उसके बाद फिल्टर पेपर पर रख देंगे। उसके बाद जो लार्जर एक्सप्लांट है हमारा, उसमें से कैम्बियम को निकाल लेंगे, मतलब काट के ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे। अब उस कैम्बियम को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास बनाएगा, हमारा कैलस बन जाएगा। और इस तरीके से हमारा कैलस का कल्चर हो जाएगा। तो यही चीज़ जो प्रोटोकॉल है इसका, यहाँ पे स्टेप लिखे गए हैं इसके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सेलेक्ट अ फ्रेश कैरेट टैप रूट, एक फ्रेश कैरेट के टैप रूट को चूज़ करेंगे। उसके बाद इसको 5% टिपॉल सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसको सर्कुलर पीसेस काटी जाएंगी और उसको पानी से वॉश किया जाएगा। उसके बाद सरफेस स्टरलाइजेशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैरेट को हम उसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से उसको वॉश करेंगे और सोडियम, फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, ठीक है, तो उसको वाटर से वॉश करेंगे, जो हाइपोक्लोराइड मॉलिक्यूल्स है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो ट्रांसफर पेट्री डिश होता है, मतलब उसको हम जो और पेट्री डिश में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको जो पेट्री डिश में फ़िल्टर पेपर होता है उस पर रख देते हैं। उसके बाद निकाल के हम जो कैम्बियम एक्सप्लांट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाता है और 6 से 8 वीक के बाद क्या होता है, जो एक्सप्लांट होता है सेल डिवीज़न के माध्यम से कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा हमारा स्टेप चलता रहता है। तो सेम वो चीज़ जो एक एक करके हमने डायग्राम में बनाया था, सेम चीज़ यहाँ पर है, पूरा एक ही पेज पर डायग्राम है ये। कट किया कैरेट को, फिर सर्कुलर पीसेज आई, डिस्टिल्ड वाटर में आपने डाला, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में, फिर पेट्री डिश पर लार्जर एक्सप्लांट से कैम्बियम एक्सप्लांट को निकाला, फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला और कैलस बन गया। ये पूरा हमारा स्टेप होता है। अब बात करते हैं कि कैलस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहला क्या है कि कैलस कल्चर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल, अ टेक्निक नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये जो कैलस कल्चर है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल, आपने छोटा सा प्लांट मटेरियल का टिश्यू लिया, उसे बहुत ज़्यादा नंबर में आप प्लांट बना सकते हैं। तो ये किसका फ़ायदा है, तो दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रोपोगेटिंग प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेड सच एज डिजीज रेजिस्टेंस और हाई यील्ड। तो ये उस केस में यूजफुल है जब आप डिजीज़ फ्री प्लांट लेना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में ये वाला हमारा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या एडवांटेज हम कह सकते हैं कि कैलस कल्चर इज़ ऑफन यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इन प्लांट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो ये जो कैलस कल्चर है ना, इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब जो नए जीन्स होते हैं तो उसको क्या किया जाएगा, इस कैलस में इंड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद उससे जब पूरा का पूरा प्लांट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इस प्लांट में हमें जो जीन्स के जो भी बेनिफिट है वो देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो देखें, ये इसमें भी ये यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट है कि यही पॉइंट है कि ट्रांसफॉर्म कैलस कैन बी रीजनरेटेड इनटू होल प्लांट। तो जो ट्रांसफॉर्म कैलस होता है वो नए प्लांट में पूरा एक नया प्लांट बना देगा, अलाउंग फॉर द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड रेट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बना सकते हैं, जिसमें क्या होती है एडवांस्ड करेक्टर्स होंगे, बढ़िया होगा, हाई यील्ड होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी कैलस कल्चर का यूज़ है। उसके बाद है कि कैलस कल्चर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर डिफिकल्ट टू कल्टिवेट और स्लो ग्रोइंग इन नेचर। तो ये जो कैलस कल्चर है ना, इसका यूज़ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने में भी किया जा सकता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो गए या फिर फ्लेवर हो गए या फिर मतलब ऐसे प्लांट जो नॉर्मली ग्रो नहीं करते हैं या फिर बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो उस वहाँ पे हम कैलस कल्चर के माध्यम से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या फिर जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कैलस कल्चर कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म
सोमैटिक एम्ब्रियो। तो कैलस कल्चर के माध्यम से सोमैटिक एम्ब्रियो बनाए जा सकता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो विच आर एम्ब्रियोज दैट डेवलप फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये एम्ब्रियोज क्या होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स से बनती हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज यूज इन प्लांट ब्रीडिंग एंड प्रोपेगेशन, और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज प्लांट ब्रीडिंग और प्रोपेगेशन में किया जाता है, तो यहाँ पे भी ये यूजफुल है। उसके बाद है कैलस कल्चर प्रोवाइड्स अ मॉडल सिस्टम फॉर स्टडिंग प्लांट सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन प्लांट ग्रोथ। तो ये जो कैलस कल्चर है और ये क्या करता है, एक हमारे पास मॉडल सिस्टम है। अब बताइए उस कल्चर को यूज कैलस को यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हो रही है ये समझ सकते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स का उस कैलस पर क्या असर पड़ रहा है जब वो पूरा एक प्लांट डेवलप होगा, तो ये सारी बातें हम इस पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टडी पर्पज के लिए भी कैलस कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कैलस कल्चर कैन बी यूज टू स्टडी प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये जो कैलस कल्चर है इसको प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको समझने के लिए कि कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या क्या डिजीजेस कॉज कर रहा है, ये सारी बातें हम पता कर सकते हैं। उसके बाद है कैलस कल्चर कैन बी यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंगल्ड प्लांट स्पीशीज, अलाउंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो कैलस कल्चर के माध्यम से जो इंडेंगर्ड स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब उनका प्रोडक्शन करके हम उनको भी कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कैलस कल्चर के, ठीक है। तो ये हमारा कैलस कल्चर का टॉपिक कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।